हाय गाइस, आई एम माही। आप देख रहे हैं IMCP माही। आज हम जानेंगे पावरफ्लेक्स 753 के बारे में। तो उसका जो पैरामीटर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होता है वो हम बताने वाला हूँ मैं। तो उसके लिए पैरामीटर में एंटर देने का, इसके बाद जो भी पैरामीटर है उसको लिख लेने का। ऐसे आप अंक से भी लिख सकते हो, जिसमें दिखाई दे 1 2 3, इससे भी और अप डाउन से भी स्क्रॉल करके कर सकते हो। तो 37 नंबर का पैरामीटर है अपना मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो उसमें हम एंटर देंगे ना तो हमको एक्चुअल जो भी है ना वो दिखाई देगा। तो उसमें 130 फ्रिक्वेंसी अभी हाल हमको दिखाई दे रही है, तो इसको हम एंटर करेंगे। एक बार एंटर करेंगे तो हम उसमें जा सकते हैं, फिर इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब तो हम एक बार इसको एंटर करके फिर इसको एक बार चेंज करके देखते हैं। तो अभी हम करते हैं उसको शायद 28 जितना करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितना पूरा मशीन स्पीड पे घूमता है, कितनी स्पीड पे। 28 गाइस थोड़ा वो हो जाएगा, वो ज़्यादा ही कम हो जाएगा, हम 50 रखते हैं उसको। तो एक बार फिर से बाहर निकल के एंटर देंगे और उसको 50 कर देते हैं। 50 करने के बाद उसको एंटर दे देंगे। एंटर देने के जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है ना, मशीन स्पीड आपकी वो हो जाएगी 50 पे। उसको फिर एक बार एग्जिट करेंगे ये करने के बाद, तो आपका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।